टोंक विधानसभा चुनाव के लिए सचिन पायलट ने नामांकन दाखिल किया है। पायलट ने नामांकन दाखिल करने से पहले मनसापूर्ण मंदिर जाकर पूजा अर्चना की, इसके बाद रोड शो किया। भारी भीड़ के काफिले के साथ वो नामांकन भरने पहुंचे। इस मौके पर उन्होंने मीडिया से बातचीत में कहा कि उन्हें टोंक विधानसभा की जनता पर पूरा विश्वास है। जिस तरह 2018 में भारी मतों से जीत दिलाई थी, उसी तरह इस बार भी जीत दिलाएंगे। उन्होंने कहा कि बीजेपी नाकाम रही है, उन्हें अभी तक मेरे सामने प्रत्याशी नहीं मिला है। पायलट ने अपने विकास कार्यों के दम पर जीत का दावा किया है। मानता हूं कि जो पिछले 25-30 साल से हो रहा है, बार बार एक सरकार बनती है फिर दूसरी पार्टी की सरकार बन जाती है, इस बार लोग मन बना चुके हैं कि दोबारा कांग्रेस की सरकार यहाँ बनेगी। वो इसलिए बनने जा रही है क्योंकि हम सब मिलकर काम कर रहे हैं। भाजपा ने पिछले 4.5 साल में एक निष्क्रिय विपक्ष का काम किया और 5 साल तक जनता की जो आवाज बनने का काम करना चाहिए था विपक्ष, करने में बिल्कुल पूरी तरह नाकाम।